अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम के इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में डे बुक में कॉन्फ़िगरेशन और अन्य ऑप्शंस का उपयोग कैसे करते हैं। डे बुक की इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको डे बुक का दिन प्रतिदिन होने वाला उपयोग बताया था और कॉन्फ़िगरेशन की सामान्य जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम डे बुक में कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और साथ ही अन्य ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि आप इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखें। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। डे बुक के लिए के प्रेस करें। देखिए यहाँ कुछ वाउचर्स दिखाई दे रहे हैं। हम शुरू से लेकर आखिरी ट्रांजेक्शन तक के वाउचर्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल्टर और F2 की को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर फ्रॉम में स्पेस बार प्रेस करके एंटर प्रेस करें। इसी तरह टू में भी स्पेस बार प्रेस करके एंटर प्रेस करें। देखिए यहाँ सभी वाउचर्स तारीख के क्रम में दिखाई दे रहे हैं। आइए अब कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस करके देखते हैं और उसके लिए F12 की प्रेस कर रहे हैं। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में हम शो नरेशंस को नो ही रहने दे रहे हैं और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं और सॉर्टिंग मेथड पर आकर हम इसे डिफॉल्ट से बदलकर अमाउंट इंक्रीजिंग सिलेक्ट कर रहे हैं। आप इन सब ऑप्शंस में से अपनी जरूरत के हिसाब से जो चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए डे बुक की पिछली वीडियो में नरेशन दिखाई पड़ रही थी जो कि यहाँ नहीं दिखाई पड़ रही है क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन में शो नरेशन को नो ही रहने दिया था। साथ ही पहले जो वाउचर्स हम डेट वाइज देख रहे थे उनका क्रम बदलकर अमाउंट के बढ़ते हुए क्रम में आ गया है। सबसे कम राशि का वाउचर सबसे ऊपर आ रहा है और नीचे की ओर क्रमशः राशि बढ़ती जा रही है। आगे के ऑप्शन समझने के लिए हम F12 की प्रेस करके वापस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। अब कंट्रोल और A की से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओपन हुई डे बुक में यदि आप किसी एक ही टाइप के वाउचर्स देखना चाहते हैं तो F4 की प्रेस करें। अब जिस टाइप के वाउचर देखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। हम रिसीट सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए हमने जो पीरियड सिलेक्ट किया हुआ है उस पीरियड के सभी रिसीट वाउचर्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही नीचे की ओर उनका टोटल भी दिखाई पड़ रहा है। अब यदि आप फिर से सभी वाउचर्स एक साथ देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करके ऑल आइटम्स सिलेक्ट करें और यदि कोई दूसरी टाइप का वाउचर देखना चाहते हैं तो उस वाउचर को सिलेक्ट करें। हम सेल्स सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए हमने जो पीरियड सिलेक्ट किया हुआ है उस पीरियड के सभी सेल्स वाउचर्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही नीचे की ओर उनका टोटल भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ आप राइट साइड बटन बार में एक नया ऑप्शन शो प्रॉफिट देख रहे हैं। हम इसकी शॉर्टकट की F7 प्रेस कर रहे हैं। ऐसा करते ही यहाँ हमने जो आइटम्स बेचे हैं उनकी ट्रांजेक्शन वैल्यू, ग्रॉस रेवेन्यू और कॉस्ट दिखाई पड़ रही है, साथ ही उन आइटम्स को बेचने से कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और उनका क्या प्रतिशत है ये भी लिखा दिखाई पड़ रहा है। हम वापस F7 की प्रेस करके पुरानी स्थिति में आ गए हैं। चूंकि यहाँ हमने सेल्स वाउचर सिलेक्ट किया हुआ है हम चाहे तो यहीं से सेल्स रजिस्टर भी देख सकते हैं। उसके लिए F8 की प्रेस करें। कॉलमनार रजिस्टर ऑल्टरेशन विंडो आ रही है। इसमें से आप जो भी ऑप्शन यस या नो करना चाहें कर सकते हैं। हम इन सभी को यस कर रहे हैं। और इस विंडो को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
देखिए, हमने जो पीरियड सिलेक्ट किया हुआ है उसका सेल्स रजिस्टर आ गया है जिसमें सेल्स का पूरा विवरण है। हम सेल्स रजिस्टर और इसकी उपयोगिता के बारे में आगे आपको डिटेल में बताएंगे। यदि आपको ध्यान हो तो जब हम गेटवे ऑफ टैली पर थे तो वहां हमने दो कंपनीज ओपन की हुई थी जिनमें से एक पर हम काम कर रहे थे। अब यदि हम जिस भी रिपोर्ट पर हैं और वही रिपोर्ट दूसरी कंपनी की भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए F3 की प्रेस करेंगे और दूसरी कंपनी का नाम सिलेक्ट करेंगे। देखिए, दूसरी कंपनी की रिपोर्ट आ रही है। हम F3 की प्रेस करके वापस पहले वाली कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। आइए अब इस रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। उसके लिए कंट्रोल के साथ H की प्रेस करें। अब यहां से एक्सट्रैक्ट को सिलेक्ट करें। ऐसा करते ही सेल्स वाउचर्स में जो भी लेजर्स उपयोग हुए हैं उनके ग्रुप के नाम के साथ उनके नाम और उनके आगे उनके डेबिट और क्रेडिट अमाउंट लिखे हुए हैं। हम सन्ड्री डेटर्स में से एक कस्टमर पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ऐसा करते ही उसके सभी बिल्स की डिटेल आ गई है। हम एक बार एस्केप की प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ वापस कंट्रोल के साथ H की प्रेस कर रहे हैं। देखिए, इन्वेंटरी वाइज एक्सट्रैक्ट सिलेक्टेड है। हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। ऐसा करते ही हमें इन सेल्स ट्रांजैक्शंस में जो स्टॉक आइटम्स उपयोग हुए हैं उनके ग्रुप के नाम के साथ उनके नाम और उनकी डिटेल्स दिखाई पड़ रही है। इस रिपोर्ट को भी हम आगे समझेंगे। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमने बहुत कम ट्रांजेक्शन किए हुए हैं। जब हमारे पास बहुत से ट्रांजेक्शन होते हैं तब डे बुक में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करके हम अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रकार से बहुत ही कम समय में इन्हें देख और समझ सकते हैं। हम कंट्रोल और H की प्रेस करेंगे। अब यहाँ से वाउचर्स सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए, हम पहले वाली स्थिति में आ गए हैं। आइए अब एक्सेप्शन रिपोर्ट्स को भी देख लेते हैं। उसके लिए कंट्रोल और J की प्रेस करें। अब यहाँ पर शो मोर पर जाकर एंटर प्रेस करें और शो इनएक्टिव पर जाकर एंटर प्रेस करें। देखिए, यहाँ से भी आप कई तरह की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इनके बारे में आप आगे काम करते हुए सीखेंगे। यहाँ हमारा इन्हें बताने का उद्देश्य ये है कि आपको पता रहे कि आप डे बुक में रहते हुए इस तरह की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने डे बुक में कॉन्फ़िगरेशन के साथ उपयोग होने वाले ऑप्शंस के बारे में बताया। इसके अगले पार्ट में आप जानेंगे कि डे बुक में रहते हुए ट्रांजेक्शन से संबंधित क्या काम किए जा सकते हैं।